बोर्ड परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का ऐलान 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का कर दिया गया है। ऐलान 24 अप्रैल से परीक्षा होगी शुरू। तो दोस्तों, देश भर के विभिन्न बोर्डों में हुए कई बदलाव की नोटिफिकेशन आ गई है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी UPMSP ने सत्र 2022 और 23 के लिए आयोजित की जाने वाली 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। यूपी बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को पंजीकरण कराने का एक और मौका दिया है। बोर्ड ने परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। तो क्या है नई तारीख? अब छात्र कब तक कर सकेंगे आवेदन, हम आपको बताते हैं। 10 सितंबर 2022 को पंजीकरण समाप्त होने के बाद 11 सितंबर तक संस्थान छात्रों के विवरण की सूची की जांच करेंगे। इसके बाद 16 से 30 सितंबर 2022 तक का समय छात्रों के विवरण में संशोधन के लिए दिया जाएगा। प्रधानाचार्य की ओर से पंजीकृत छात्रों के विवरण को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 10 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड सत्र 2022 और 23 की परीक्षा के लिए छात्रों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर किया जाएगा। छात्रों को ₹50 आवेदन शुल्क के तौर पर जमा भी कराने होंगे और बोर्ड की ओर से जिला विद्यालयों और निरीक्षकों को ये संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक करवा लेंगे। यदि आप अपने राज्य से जुड़ी संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम आपको मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेंगे जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है। अगर आप कक्षा 9वीं में थे और अब कक्षा 10वीं में जाएंगे या आप कक्षा 11वीं में थे और कक्षा 12वीं में अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जून के महीने में ही अगले सत्र 2022 और 23 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। जो भी छात्र अब तक नए सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययन करेंगे वो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ब्लूप्रिंट से संबंधित हम आपको विशेष जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, बात करें ब्लूप्रिंट के स्ट्रक्चर की तो कक्षा 10वीं के सभी विषय के लिए 75 अंक बोर्ड परीक्षा और 25 अंक इंटरनल मार्क्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। इंटरनल मार्क्स के बारे में, इंटरनल मार्क्स के नंबरों में 15 नंबर पेटकल के, 5 नंबर त्रैमासिक परीक्षा तथा 5 नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के जोड़े जाएंगे। इनके संयोग से कुल एक विषय का मूल्यांकन 100 अंक का होगा। बात करें कक्षा 12वीं के ब्लूप्रिंट की तो जितने भी प्रैक्टिकल वाले विषय हैं उन्हें छोड़कर बाकी विषयों के पेपर 80 नंबर के बनाए जाएंगे और 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे भविष्य में आने वाली इस पर जो भी वीडियो होंगी वो आप तक सीधे पहुंचेंगी। इसी क्रम में CBSE के छात्रों के लिए CBSE द्वारा दिए गए अति आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। CBSE द्वारा सत्र 2022 और 23 से निर्धारित पाठ्यक्रम से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। प्रश्नों का स्तर लगभग 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन होगा, जिसमें 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, 40% प्रश्न विषयात्मक और 20% प्रश्न विश्लेषणात्मक होंगे। पुराना व्यवसायिक NSQF और DLED में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रायोगिक विषयों को छोड़कर आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया है। एक नजर में सभी बोर्डों 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि 2023 टाइम टेबल के बारे में जानने के लिए सभी छात्र मीडिया तक लाइव YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें जिससे जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।